मैट्रिक्स का केम लेक्चर आप लोगों के पास चला गया। सबसे पहला लेक्चर में आप लोगों को मैंने मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन दिया, फिर मैंने मैट्रिक्स के बारे में बताया मैट्रिक्स कैसे फॉर्म कर सकते हैं वो बताएं, दो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं, फिर मैंने प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन बताया और 3.1 एनसीईआरटी से। आज मैं आप लोगों को मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस ये भी मैं लेक्चर नंबर 3 में बता दिया, जिससे लास्ट किया था मैं, लेकिन केवल एक एग्जांपल दिया था। हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस के बारे में, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स को कैसे गुणा किया जाएगा, एक एग्जांपल बताया। देखिए आप लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है, इतना कन्फर्म जानिए कि आप पूरी आरा में आप कहीं भी पढ़ते हो, कोई भी स्टूडेंट हो कहीं भी पढ़ते हो, या मेरा स्टूडेंट है हो या न हो, आप मेरे लेक्चर को शुरू से लास्ट तक देखिए और देखने के बाद आपको अवश्य मालूम चलेगा कि मेरा लेक्चर किसी और के कंपैरिजन में कैसा है। कोई कोई ऐसा भी पॉइंट होगा जो और कोई नहीं बताए होंगे और मैं उस पॉइंट को बताऊंगा, जैसे मैट्रिक्स के टाइप में ही कुछ ऐसे टाइप बताऊंगा जो आप लोग ना पढ़े होंगे, लेकिन मैं अपने लेक्चर में उस चीज का जिक्र करूंगा। तो बिंदास होकर पूरे दावा के साथ बिंदास होकर आप लेक्चर पढ़िए, जिसका लेक्चर हो उसका पढ़िए और उसके बाद कंपेयर कीजिए कि किसके लेक्चर में क्या डिफरेंस है, कितना मुझे समझ में आ रहा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्या है, इस चीज को आप अनुभव कीजिए। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन मैंने बताया था कि तभी संभव है यदि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2×3 है एंड बी मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ 3×2 है, तब जाके ए भी पॉसिबल होगा, ए भी पॉसिबल होगा। क्यों? क्योंकि ए का कॉलम और बी का रो बराबर होना चाहिए। यदि ए का कॉलम, ए का इसका कॉलम नंबर ऑफ कॉलम और बी का अगर नंबर ऑफ रो के बराबर है, तब तो जो ए बी है वो पॉसिबल होगा, यदि आप गुना कर सकते हैं। अच्छा, मैं बी ए का चर्चा करता हूं, बी ए का, तो फिर बी ए में बी का कॉलम, बी का कॉलम बराबर होना चाहिए ए का रो का, ठीक है, जो कि है। देख लीजिए, अगर आप बी का बोल रहे हैं तो बी का जो है 3×2 है और ए का बात कर रहे हैं तो 2×3। देखिए इसका कॉलम और इसका रो दोनों बराबर है, यानी बी ए भी जो होगा क्या होगा जी, पॉसिबल होगा। यानी मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों को कि दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई होगा जब पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स यानी जिसमें गुना कर रहे हैं उसका रो के बराबर हो, तब मल्टीप्लीकेशन संभव। मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं एग्जांपल लेता हूं आप लोग के सामने में क्वेश्चन दिया दिए हैं 3.2 का, ए 2 4 3 2, बी 1 3 -2 5, सी -2 5 -2 5 3 4, ये ऑर्डर नहीं दिया हुआ, ऑर्डर हम लोग अपने से करेंगे। मुझे मैं इसका पहला दूसरा तीसरा जो है क्वेश्चन वो जोड़ और घटाओ है, ऐड और माइनस, तो ऐड सब्ट्रैक्शन आप लोग अपने से कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
मैं मल्टीप्लीकेशन यानी फोर्थ नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोगों को कि मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो बाबू मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले देखिए कि ये पॉसिबल है कि नहीं, माने ए से बी में मल्टीप्लाई होगा, ये भी पॉसिबल है कि नहीं ये देखने के लिए इसका जो है कॉलम देखिए, पहला वाला का कॉलम और दूसरा वाला का रो देखिए, इसका कॉलम और इसका रो जब दोनों आपस में बराबर हो गया तब मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहाँ पर बी ए है, बी ए तो इसका कॉलम और इसका रो, मुझे ए बी कब देखना है तो ए बी का कॉलम कितना है देखेंगे। चलिए पहले दो दो क्रॉस दो का ये भी है और दो क्रॉस दो का ये भी है। अब बोलिए ए बी में ए का कॉलम देखिएगा और बी का क्या देखिएगा रो, तो ए का कॉलम कितना है, ये कॉलम है दो है, चलिए दो है और बी रो कितना है, रो भी दो है, यानी दोनों आपस में क्या है बराबर। यदि बराबर है तब तो ए बी पॉसिबल, ए बी पॉसिबल है, ए बी पॉसिबल है। हाँ तो मुझे इसका कॉलम और इसका दोनों बराबर हो गया, मल्टीप्लीकेशन होगा। अब मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा ये भी समझना बहुत बाबू जरूरी है। सबसे पहले मैंने ए लिख लिया, फिर मैंने बी को लिख लिया, बी को लिख लिया, अब चलते हैं ध्यान में बहुत डेंजर, पहले रो फिर कॉलम, ये सूतक है खड़ा, फिर सूतक खड़ा, ठीक ठेठ समझिए ना आप लोग, ये सोया हुआ पूरा लो खड़ा वाला पहले लेंगे, इसका सोया तो उसका खड़ा, क्लियर बात है। तो दो में एक से गुना करते हैं तो दो गुना एक, अब फिर जब दो में एक से कर दिए हैं जैसे पहला पहला रो पहला कॉलम तो इसका भी पहला रो पहला कॉलम, क्लियर बात है। अब इसका यदि फोर लेते हैं तो इसका भी ये नहीं लेंगे, इसका भी दूसरा जगह लेंगे, क्या लेंगे फोर इंटू माइनस टू, फिर लेते हैं फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम टू इंटू थ्री, फिर प्लस फोर इंटू फाइव फर्स्ट रो सॉरी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तीन गुना एक प्लस दो गुना माइनस टू, फिर तीन गुना तीन प्लस दो गुना पांच, क्या हो जाएगा जी देखते हैं क्या होगा, फोर चार दूनी आठ माइनस आठ और दो एक है दो माइनस आठ में से दो गया तो माइनस छ, तीन दूनी छ पंचों का बीस बीस और छब्बीस, तीन एक है तीन दो दूनी चार माइनस चार है तीन माइनस एक, तीन का नौ पांच दूनी दस दस नौ तो ये हुआ मल्टीप्लीकेशन। अच्छा एक और है फिफ्थ नंबर को मैं जाता हूँ, फिफ्थ नंबर क्या है बी ए, तो बी ए में पहले ये देखेंगे बी ए के लिए कि मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है कि नहीं, तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल करने के लिए नंबर ऑफ क्या देखेंगे इसका कॉलम और इसका क्या देखेंगे नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम इसका सब क्या है तो दो और इसका नंबर ऑफ रो क्या है एक का दो, दोनों आपस में बराबर है दो बराबर दो होता है तो जब ये दोनों आपस में बराबर है पहला का कॉलम और दूसरा का रो तब तक भाई मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, नहीं तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं। और जब मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है तो अब हम बी ए इसका निकालेंगे b 1 3 माइनस 2 5 फिर 2 4 3 2 मल्टीप्लाई करूं वही ये तो खड़ा फिर ये तो एक में एक 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 फिर 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2
प्लस 5 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2। क्लियर बात है? मतलब ये कि पहले इस रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इस रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करने के बाद दो एक है दो, तीन का नौ, नौ दो ग्यारह, फिर तीन दूनी छ, चार एक है चार, छह बचा दस, पैंतीस है पंद्रह, दो दूनी चार माइनस चार प्लस पंद्रह, सॉरी प्लस पंद्रह ग्यारह, पांच दूनी दस, चार दूना माइनस दो माइनस सात, तो दस माइनस सात दो। क्लियर है? कोई दिक्कत? क्लियर है? ठीक है। अब देखिए यहां हम क्या करना है, एक ए मैट्रिक्स है और ए मैट्रिक्स है, दूसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन, और पहला तो बन जाएगा आसान है। तो ये एक ये मैट्रिक्स हो गया और एक ये मैट्रिक्स हो गया, लेकिन दोनों के बीच में क्या चीज का चीज है? प्लस का। ये तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्लस करते हैं, प्लस टू ए बी, इसमें करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू बी सी, इसमें करें तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए सी, और इसमें करें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा b प्लस सी का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाता है देखिए तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए सी, ए माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है? ये क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? प्लस करने में कोई दिक्कत नहीं। अब यही देखिए ना, ये दोनों के बीच में भी प्लस है, तो cos स्क्वायर किसके साथ मिलेगा, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, उसी तरह से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, उसी तरह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, उसी तरह से कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा भी होता है 1। यानी ऐड जो हम लोग कर रहे हैं कितना आसान है, यहां पर एकदम आसानी से इसमें हम लोग ऐड करें, ऐड में एडिशन में और सबट्रैक्शन में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। दिक्कत होगी मुझे तो मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लाई करते समय बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं कि कैसे करें, तो बार बार हम उसको प्रैक्टिस करेंगे, फिर मैं एक तो एग्जांपल मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में पढ़ाऊंगा सब। एक तो मल्टीप्लिकेशन, फिर ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करें, लेकिन मल्टीप्लाई के पहले ये चेक करना जरूरी है कि क्या ये पॉसिबल है कि नहीं। तो सबसे पहले हम इसका ऑर्डर देख रहे हैं क्या है, 2/2 का, इसका भी ऑर्डर क्या है 2/2 का। अब देखिए इसका कॉलम और इसका रो, इसका कॉलम और इसका रो, तो इसका कॉलम कितना है 2, इसका रो भी कितना है 2, क्या दोनों आपस में बराबर है, तो है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे जी, तो ये रो ये कॉलम, तो ए में ए से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी में बी से गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर। क्लियर है? फिर ए में बी से गुणा करेंगे तो माइनस बी ए, फिर b में a से गुणा करेंगे तो प्लस b। क्लियर बात? यानी रो इनटू कॉलम, इधर का रो उठाइए तो उधर का कॉलम उठाइए, अब पहला रो उठा रहे हैं तो सब कॉलम को गुणा कर दिए, जितना कॉलम है उसको गुणा कर दीजिए, अब सेकंड रो उठा रहे हैं तो माइनस b में a से, फिर a में b से, फिर माइनस b में माइनस b से, तो माइनस 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 b का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर ए में। अब देखिए ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां से यहां, फिर यहां से यहां,
फिर ये क्लियर है, कोई दिक्कत? और इसका ऑर्डर क्या होगा जी? दो क्रॉस दो, दो क्रॉस दो, यानी आप मिला रहे हैं ये दोनों को, सॉरी मल्टीप्लिकेशन चेक करने के लिए ये दोनों बराबर होना चाहिए, तो बच क्या गया? दो दो ऑर्डर होगा दो क्रॉस दो का। क्लियर बात समझ में? एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, सेकंड नंबर एग्जांपल लेते हैं। देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन, ये एक मैट्रिक्स और ये एक मैट्रिक्स, इसको आप कह सकते हैं कौन सा मैट्रिक्स? कॉलम मैट्रिक्स। और इसको क्या कर सकते हैं? रो मैट्रिक्स, क्योंकि एक रो है इसमें एक कॉलम है। क्या है इसका ऑर्डर? तो ऑर्डर है 3x1, तीन गो रो, एक दो तीन, कॉलम एक। इसका क्या ऑर्डर है? तो 1x3। क्या ये दोनों आपस में बराबर है? तो है, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन होगा। और जो मल्टीप्लीकेशन हो के जो रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट का ऑर्डर क्या होगा जी? इस दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा गुणा करने के बाद, उसका क्या ऑर्डर होगा? तो आप ये दोनों को ना चेक कर रहे बराबर है कि नहीं है, तो बच कौन गया? तो इधर से ये तीन बचा, इधर से तीन बचा, यानी जो रिजल्ट होगा उसका ऑर्डर 3x3 आएगा। अब आते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए। तो पहला रो मैंने बात रखा, पहला रो पूरा उसका को, तो पहला देखिए इसका पहला रो, उसका पहला सब कॉलम, तो रो इसमें एक ही रो है, देखिए एक ही रो है इसमें, एक में दो से गुणा किया, फिर एक में तीन से गुणा कीजिएगा, फिर एक में चार से। देखिए कहने का मतलब, अब एक और इसमें रो है, इसमें कॉलम नहीं है, सेकेंड था दो में दो से, फिर दो में तीन से, फिर दो में चार से, फिर तीन में दो से, फिर तीन में तीन से, फिर तीन में चार से। देखिए मल्टीप्लीकेशन करना थोड़ा सा दिमाग लगेगा, बार बार दिमाग लगाना पड़ेगा। बस मल्टीप्लीकेशन जब आ गया तो फिर समझ जाइए कि मैट्रिक्स एकदम आसान हो गया। जो भी है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन जब इसका आ गया तो सब कुछ आसान है। अब देखिए थोड़ा सा क्या ऑर्डर है इसका? 3x3। इसका क्या ऑर्डर है? 3x3। मिलाना मुझको ये दोनों है, इसका कॉलम और इसका बराबर है। जो रिजल्ट रिजल्ट होगा, वो रिजल्ट का जो ऑर्डर होगा, जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? इधर से बच गया 3 और उधर से बच गया 3x3। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दो में एक से, फिर तीन में इसी का पार्ट है, फर्स्ट रो में इतना है, फर्स्ट कॉलम में इतना है, इसलिए एक ही जगह पर दिखाएगा। अगर हम सेकेंड रो का अगर इसका इस्तेमाल करते इसमें करते तब दूसरा कॉलम बनेगा, लेकिन ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का पार्ट है, इसलिए प्लस अलग अलग कर मल्टीप्लाई होगा 4x2। क्लियर? फिर 2x-3, फिर 3x2, फिर 4x0, ठीक है, फिर 2x5, फिर 3x4, फिर 4x5। क्लियर? फिर अब आते हैं इसमें सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3x1, 4x0, 5x3, 3x-3, 4x2, 5x0, फिर 3x5, 4x4, 5x5, 3x5, 4x4, 5x5। फिर अब यहां से उठाते हैं तो 4x1, 5x0, 6x3, फिर ये वाला 4x-3, 5x2, 6x0, फिर ये वाला 4x5, 5x4, 6x5।
अब यहाँ मल्टीप्लाई मत कर रहे हैं, 2 इंटू 1 का मल्टीप्लाई किए तो 2, 0 चलती है 12, ठीक है, 3 1 3, 0 15, 4 1 4, 0 36 18, 2 में माइनस 3 से माइनस 6, 3 में 2 से प्लस 6, 4 में 0 से 0, 3 में माइनस 3 से माइनस 9, 4 में 2 से 8, 5 में 0 से 0, 4 में माइनस 3 से माइनस 12, 5 में 2 से 10, 6 में 0 से 0, ठीक है, फिर आते हैं 2 में 5 से 10, 12, 20, 15, 16, 25, 20, 20, 30, क्लियर बात? अब आते हैं तो 2 और 12 यहीं पर बराबर करके लिख देते हैं, 40 कट गया 0, 20 10 30 12 42, फिर 15 3 18, माइनस 9 में से 8 गया माइनस 1, 15 और 25 40, 40 16 56, यहां पर क्या था, अच्छा 0 था, 18 और 0 0 18 for 22 minus 12 plus 10 minus 2 और 20 20 40 30 70, क्लियर बात है? यानी मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, मैं कैसे कर रहा हूं इसके बावजूद भी आप लोगों को ना समझ में आए तो थोड़ा सा आप लोग मुझे बताएंगे उसे और इसको समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे कि इस चीज को पूरे क्लियर फाइंड समझ में आ गया होगा। आइए कुछ रिमार्क हम लोग याद करते हैं, स्पेशली सीबीएसई बोर्ड इस चीज को ध्यान में आप लोग रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं। मैंने बोला कि देखिए बताने को तो मैक्सिमम चीज वही बताएंगे जो लोग बताएंगे, ठीक है, लेकिन हर टॉपिक में हर लेक्चर में मेन 30-40% ऐसा थ्योरी देंगे हम, कहीं कहीं किसी भी चैप्टर में तो 50-60% भी बहुत ऐसा थ्योरी देंगे कि और कोई लोग ऐसा ना दिया होगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहला रिमार्क ये लिखता हूँ आपको कि इफ ए एंड बी आर कम्यूट टू इच अदर देन ए बी बराबर बी ए होगा, ठीक है, ए बी बराबर क्या होगा, बी ए होगा, यदि एक दूसरे को कमिट है और वाइस वर्सा। कमिट करने का मतलब कि ए में बी से गुना कीजिए या बी में ए से गुना कीजिए, ए में बी से या बी में ए से, रिजल्ट क्या होगा, बराबर, चाहे वाइस वर्सा कर सकते हैं, यदि ये और ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों कमिट होगा, और कमिट माने कमिटेटिव लॉ, जिस चीज को आप लोग पढ़े हैं ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, तो एडिशन करते हैं इसके प्लस या मल्टीप्लिकेशन इसके मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दिए। दूसरा पॉइंट हम ये बता रहे हैं कि अगर मल्टीप्लिकेशन कमिटेटिव नहीं है, इफ मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, यानी कि ए बी बराबर नहीं है बी ए का, तब हम कह सकते हैं एंटी कम्यूटेटिव, क्या कह सकते हैं इसको, एंटी कम्यूटेटिव, ठीक है, मतलब कहने का यह मतलब है कि यदि मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं है, कॉम्यूटेटिव नहीं होने का मतलब कि यदि ए बी बी ए के बराबर नहीं है तब उस चीज को क्या कहेंगे कि ए और बी क्या है, तो एंटी कम्यूट है, क्या है, एंटी कम्यूट, और यदि ए बी और बी ए बराबर हो गया तो फिर क्या कहेंगे कि ए एंड बी क्या है, तो कम्यूट ही विचार। अच्छा तीसरी पॉइंट हम ये बात करते हैं, तीसरी पॉइंट ये बात करते हैं
कि इफ ए बी एंड बी बोथ एग्जिस्ट, मान लेते ए बी बी और बी ए बी दोनों पॉसिबिलिटी है, देन इट इज नॉट नेसेसरी, तब ये कोई जरूरी नहीं है, देन इट इज नॉट नेसेसरी that is not necessary that A and B are square matrices. Square matrices. कहने का मतलब कि A में B से गुणा कर भी करना अगर संभव है और B में A से भी करना है, अगर दोनों पॉसिबिलिटी अगर हो रही है, मतलब पूरा संभव है, तो इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा स्क्वायर नहीं होगा. अगर मान लेते हैं आप A और ले लेते हैं m क्रॉस n का और b कोई ऑर्डर ले लेते हैं n क्रॉस m का, n क्रॉस m का, बोलिए बाबू, बोलिएगा n और m दोनों बराबर नहीं है, m और n दोनों बराबर नहीं है, तो मुझे ab के लिए अगर ये दोनों में गुणा करना है तो मुझे ये मिलाना पड़ेगा, यानी n और m बराबर है, यानी ab इज पॉसिबल, पॉसिबल. और अगर मुझे BA की जरूरत पड़े, BA की जरूरत पड़े, तो BA में कौन मिलाना पड़ेगा, AB के लिए ये और BA के लिए ये वाला, यानी पहले B का तब A का, तो देखिए ये भी दोनों बराबर है, यानी BA भी क्या है, पॉसिबल. क्लियर? तो यदि AB और BA अगर दोनों एग्जिस्ट करता है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में स्क्वायर है, अगर स्क्वायर है तो भी होगा, एग्जिस्ट अनाद ही स्क्वायर है तो एग्जिस्ट हो सकता है. देखिए इफ ए बी बराबर माइनस देन ए एंड बी आर एंटी कम्यून टू इच अदर. यदि ए बी और बी ए केवल ए बी माइनस बी ए के बराबर हो गए, तब तो कहेंगे कि ए और बी एक दूसरे का क्या है, एंटी कम्यूट. तो याद रखना चाहिए ये सब चीज, ठीक है? तो ये रिमार्क्स है, आप लोगों को रिमार्क्स याद रखना पड़ेगा. चारों रिमार्क्स हमने बताया कि कम्यूट है तो ए बी बराबर बी ए होगा, चाहे वाइस वर्सा कर सकते हैं कि यदि ये दोनों बराबर है तो दोनों कम्यूट होगा, यदि कम्यूटेटिव नहीं है इसका मतलब एंटी कम्यूट है, ए बी और बी एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है. और तीसरी रिमार्क मैंने लिखवाया ए बी बराबर माइनस बी ए देन ए एंड बी आर एकदम नेसेसरी है कि एंटी कम्यूट ही होगा. तो मैंने ये बार बार मैं बोल रहा हूँ कि मेरा जो लेक्चर होगा मैट्रिक्स का, तो किसी भी चैप्टर का और एक औरों के कंपेयर में थोड़ा सा जरूर डिफरेंस होगा, ये मैटर है, आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, तो बस एकदम सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा. सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो या बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो, कोई भी स्टूडेंट हो, गारंटी कि रिजल्ट दीजिएगा. और इस बार अच्छा रिजल्ट भी मेरा इंस्टीट्यूट से आया है, तो आप लोग इसको ध्यान दें, इसको पढ़ें बढ़िया से, हर रिमार्क्स को पढ़ें, हर प्रॉपर्टी को पढ़ें. अब देखिए मैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन करता हूँ. देखिए सबसे पहले मैं प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन में एक प्रॉपर्टी लिखता हूँ कि कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव, बट इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट विल ऑलवेज ऑलवेज ओवे. ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ये कम्यूटेटिव को ओवे करेगा, मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि यदि ए एंड बी आर मैट्रिक्स मैट्रिक्स है ठीक है, तो ए बी बराबर बी ए, बी ए मे बी और ए बी नॉट बराबर बी ए भी हो सकता है.
मतलब ये दोनों के, मतलब पहले का मतलब ये दोनों केस हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं और नहीं भी बराबर हो सकते हैं, ए भी बराबर बी ए भी हो सकते हैं और ए भी बराबर बी ए नहीं भी हो सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा ही, ये ऑर्डर को अवे करेगा। तो पहला प्रॉपर्टी। दूसरा मैं प्रॉपर्टी ये बताना चाहता हूं कि इट इज एसोसिएटिव व्हेन वी डू नॉट डिस्टर्ब द ऑर्डर। यदि मैं ऑर्डर को डिस्टर्ब न करता हूं, इट इज एसोसिएटिव, यानी मेरा थोड़ा सा हट के डिफरेंस है, इट इज एसोसिएटिव व्हेन वी डज नॉट ओबे द ऑर्डर। यदि मैं ऑर्डर को ओबे नहीं करता हूं तो ये एसोसिएटिव होगा, ठीक है? ओबे, सॉरी, व्हेन वी डज इन द, व्हेन वी डू नॉट डिस्टर्ब द ऑर्डर, व्हेन वी डू नॉट डिस्टर्ब द ऑर्डर। यदि मैं डिस्टर्ब नहीं करता हूं तो ये एसोसिएटिव होगा। कहने का क्या मतलब है, तात्पर्य क्या है? जैसे ए बी सी तीन मैट्रिक्स है, तो ए बी सी तीन मैट्रिक्स है, तो यदि हम ए बी को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं और तब सी को, तो ये बराबर होगा किससे कि पहले बी सी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए को बी सी मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर यही मैं ऑर्डर को डिस्टर्ब कर दूं यदि ए को सी से करके बी, तो ये अवे नहीं करेगा। यानी ए बी को मल्टीप्लाई कर दी जो रिजल्ट आएगा वो सी में कीजिए, या फिर बी सी को मल्टीप्लाई कर दिया जो रिजल्ट आया ए से मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए ए भी उसमें पहले होना चाहिए। अब मैं ऑर्डर क्या कर रहा हूँ कि जो एक तीसरा ऑर्डर का सी था मैं उसको दूसरे पर ला दिया, तब तो ऑर्डर डिस्टर्ब किया कि नहीं किया? और जब मैंने ऑर्डर डिस्टर्ब करना है, मुझे वी डू नॉट डिस्टर्ब द ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं करना है, और जब मैंने ऑर्डर डिस्टर्ब कर दिया, तीसरे वाले जगह को मैंने दूसरे स्थान पर ला दिया, तो क्या ये इक्वल होगा? नहीं होगा इक्वल। यानी जब मैंने ऑर्डर को डिस्टर्ब कर दिया तब इट इज नॉट एसोसिएटिव, और अगर मैंने ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं किया तो इट इज एसोसिएटिव। तो ये दो प्रॉपर्टी हुई। तीसरी प्रॉपर्टी में चलता हूं, इफ ए बी बराबर ए सी, सॉरी मैं पहले, इट हैज डिस्ट्रीब्यूटिव, वही बोलूंगा, वही बोलूंगा जो लिख रहा था, जो लिख रहे थे वो भी मैं बोलूंगा, वो भी प्रॉपर्टी बोलूंगा, लेकिन फोर्थ पॉइंट को बोलूंगा उस बात को। पहले मैंने कम्यूटेटिव एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव को बात कर लिया। इट हैज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी डिस्ट्रीब्यूट करता है, जैसे तीन मैट्रिक्स है और इस प्रकार से, तो पक्का रूप से हम इसको कर सकते हैं क्या, ए बी प्लस बी सी, कोई दिक्कत नहीं होगा। या फिर मुझे ये दे दिया है, या फिर मुझे ये दे दिया है, अब देखिए कितने इसमें हो गए, चार मैट्रिक्स ए बी सी डी, ये दोनों के बीच में प्लस, ये दोनों के बीच में प्लस, और ये दोनों मैट्रिक्स के बीच में क्या चीज का चिन्ह लगा है, मल्टीप्लाई का। तो मैं इसको इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, ए सी प्लस डी, डिस्ट्रीब्यूट मैंने बांटना, बांट दिया ए को सी और डी के साथ, फिर इसको बांट दिया बी को भी मैंने बांट दिया किसके साथ, सी प्लस डी का, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, क्लियर बात है। चौथा मैं प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं कि इफ ए बी बराबर ए सी, इट डज नॉट इंप्लाई डेट बी बराबर सी, सॉरी बी बराबर सी, कहने का मतलब ए बी और ए सी यदि आपस में बराबर आता है मल्टीप्लाई करके, ठीक है, ए बी अगर ए सी के बराबर आता है, तो ये मत कह दीजिएगा कि ए से ए कट गया तो आपको बी बराबर सी, ये नो, ये गलत है, कभी नहीं, नो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जो कि एडिशन में होता था, एडिशन का प्रॉपर्टी पढ़ा है कि ए प्लस बी बराबर ए प्लस सी, तो ए से कट गया तो बी प्लस सी, मैंने बताया है एडिशन में भी करता है, जिसको हमने कैंसिलेशन लॉ के नाम से जाना है, यानी इसको भी आप कर सकते हैं क्या, कैंसिलेशन लो, ठीक है, तो ये कैंसिलेशन लो डज नॉट ओबे,
ये कैंसिलेशन लॉ को ओबे नहीं करता है, कैंसिलेशन लॉ डज नॉट ओबे, कैंसिलेशन लॉ को ओबे नहीं होता है, और एडिशन में कैंसिलेशन लॉ ओबे होता है। इफ ए बी बराबर हो नल मैट्रिक्स, मान लेते हैं कि ए और बी को मल्टीप्लाई करने के बाद नल मैट्रिक्स आ जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं, इट डज नॉट मीन्स दैट ए इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स और बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ये नल मैट्रिक्स है, कहने का मतलब कि जब ए में बी से गुणा करने पर यदि नल मैट्रिक्स रिजल्ट आता है, तो इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते हैं कि या तो ए नल मैट्रिक्स है या तो बी नल मैट्रिक्स, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नहीं समझे? अरे नल मैट्रिक्स का मतलब ए और जैसे एक तो 0 0 0 0, तो ऐसा केस नहीं मैच करेगा 2/2 का भी आपको लिए तो, ठीक है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ए में बी से गुणा करने पर अगर नल मैट्रिक्स आ जाता है तो एक नल मैट्रिक्स होगा चाहे बी नल मैट्रिक्स होगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कोई भी चीज नहीं होगा। अच्छा, अगर मैं छठा पॉइंट मान लेता हूं कि यदि कोई भी इफ वन ऑफ द ए इज इक्वल टू 0 और 0 चाहे नल मैट्रिक्स का मतलब 0 भी होता है, लेकिन नल मैट्रिक्स को हमेशा O से दिखाते हैं कि इफ वन ऑफ द ए बराबर हो और बी बराबर हो, जैसे नल मैट्रिक्स, ठीक है, देन ए बी बराबर हो यानी नल मैट्रिक्स, बट कन्वर्स डज नॉट प्रूव। अगर ए नल मैट्रिक्स है या बी नल मैट्रिक्स है, दोनों में से कोई एक भी नल मैट्रिक्स है, कहने का मतलब यदि ए बराबर 0 0 0 0 और बी बराबर 1 2 3 4, तो आप अगर ये दोनों को गुणा करके कीजिएगा तो ए बी बराबर रिजल्ट 0 0 0 0 आएगा। गुणा करके आप चेक कीजिएगा क्या रिजल्ट आएगा जी, 0 0 0 आएगा। तो यार ए नल मैट्रिक्स हो या बी नल मैट्रिक्स हो, तो दोनों को आप गुणा कीजिएगा तो नल मैट्रिक्स हो जाएगा। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि ए बी अगर नल मैट्रिक्स है तो ये बी नल मैट्रिक्स है, कह नहीं सकते कि यहाँ ये नल मैट्रिक्स है। अरे बाबू, मैंने नल मैट्रिक्स एग्जाम्पल लेके चला था ना, अगर जब यहीं पर कुछ और दे दिया जाता तब क्या होता, बात समझो। अगर मान लेते यहाँ 0 0 दे देते, 0 0 यहाँ एक, फिर मैं यहाँ 0 0 दे देता यहाँ एक, सॉरी यहाँ 0 0 दे देता यहाँ एक, तब क्या होता, तब तो नल मैट्रिक्स नहीं था, मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। तो ये ए 0 नल मैट्रिक्स है या बी नल मैट्रिक्स है, तो मल्टीप्लाई उसका दोनों का नल मैट्रिक्स होगा। लेकिन यदि दो चीज का मल्टीप्लाई अगर नल मैट्रिक्स है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि सेपरेटली इंडिविजुअली वो दोनों में से कोई एक वो मैट्रिक्स भी नल मैट्रिक्स हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और मे नॉट भी। क्लियर बात है? अब मैं जो सातवां पॉइंट बताने जा रहा हूं आपको, सातवां जो पॉइंट बताने जा रहा हूं, इसका आईआईटी का फेवरेट इलाका है, मतलब आईआईटी को उस चीज को बड़ी पसंद है। और क्या है, देखिए, इफ ए एंड बी आर नॉट नल मैट्रिक्स बट ए बी इज इक्वल टू ओ माने नल मैट्रिक्स, ठीक है, कहने का मतलब कि यदि ए और बी दोनों में से कोई नल मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है, लेकिन ए बी जो है नल मैट्रिक्स है, देन बोथ ऑफ देम ए एंड बी हैज टू बी सिंगुलर, then both of them A and B has to be singular,
ये आईआईटी का इलाका है, मैं समझा रहा हूँ क्या है, आईआईटी का इलाका है, अपने इलाका में कुत्ता भी शेर बनता है। बोर्ड वाले जो होंगे अगर दो चार बुक पॉइंट अरिहंत से रट के पढ़ाने लगते हैं तो कहते हैं कि अरे बाप रे बाप, कितना सबसे बड़ा हम सबसे आराम हट के दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो हर प्रॉपर्टी को भी टच करे, हर थ्योरी को टच करे, तब ना लगता है कि आईआईटी का इलाका, आईआईटी का वेलकम बढ़िए। तो मैं इस आईआईटी के इलाका को चल क्या कर रहा है कि यदि ए और बी दोनों बस पाँच चार पाँच छः तीनों, देखिए तीनों जो पॉइंट समझ में आएगा चार और पाँच तब छठे की तरफ बढ़िए। यदि ए और बी नल मैट्रिक्स नहीं है, मतलब एक भी दोनों में से नल मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आता है ए बी वो नल मैट्रिक्स है, तब तो बाबू ए और बी दोनों के दोनों सिंगुलर मैट्रिक्स होंगे। अब ये सिंगुलर क्या होता है जी? सिंगुलर का मतलब जैसे ए अगर सिंगुलर है, ए इज सिंगुलर, अगर ए सिंगुलर है दैट इज इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो होगा। याद होगा जब मैं स्ट्रेट लाइन पढ़ाया था 11th क्लास, तो इसमें डिटरमिनेंट का थोड़ा सा हल्का कैसे सॉल्व किया जाता है ये बताया था। जो लड़के भूल गए होंगे कोई चिंता की बात नहीं है, मैट्रिक्स के बाद जो डिटरमिनेंट आएगा चैप्टर उसमें पूरी तरह से समझ जाइएगा आप लोग। बहुत सारे दिमाग में होगा कि सर अभी सिंगुलर बोल दिया, अगर क्वेश्चन आ गया मैट्रिक्स के अंदर तो मैं उस टॉपिक को, उस टाइप के क्वेश्चन को डिटरमिनेंट में ही छेड़ूंगा। जैसे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स भी है तो डिटरमिनेंट के ही टॉपिक में छेड़ूंगा उसको। तो इस बात को ध्यान में रखें, केवल आप ये समझिए कि सिंगुलर का मतलब कि जो भी मैट्रिक्स सिंगुलर होगा उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। अगर बी सिंगुलर है या दोनों ने सिंगुलर बोले जी, तो बी का भी डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो। जब दोनों का डिटरमिनेंट जीरो है यानी दोनों क्या है, सिंगुलर है, दोनों नल मैट्रिक्स नहीं है और रिजल्ट दे रहा है नल मैट्रिक्स, इसका मतलब दोनों सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये है आईआईटी का इलाका, ध्यान रहे। हम अब चलते हैं सातवां पॉइंट पर कि किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी माने यूनिट मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कीजिए, रिजल्ट वह खुद मैट्रिक्स देगा, या फिर आई ए इंटू आई कीजिए तो भी ए, आई इंटू ए कीजिए तो भी ए। क्लियर बात है? एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी इसको बोलेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, याद रहे एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा, सातवां पॉइंट की आई के पावर एन, यूनिट मैट्रिक्स को कितना बार भी आप गुणा कर दीजिए, कितना बार भी गुणा कर दीजिए यूनिट मैट्रिक्स ही आएगा। एक को एक में कितना भी गुणा कर दीजिए, मतलब उसको रिजल्ट में भी क्या, ठीक है, कोई दिक्कत। आठवां पॉइंट के बाद मैं बात करता हूं नौवां पॉइंट का। अगर ए एंड बी कम्यूट टू ईच अदर, ध्यान देना बाबू, कम्यूट टू ईच अदर, तब बाबू ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होगा वो होगा ए का स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर बात है? अगर एंटी कम्यूट है, इफ ए एंड बी आर एंटी कम्यूट, देन ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। मेरे ख्याल से आप लोग समझे हो क्यों, क्योंकि बाबू ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो ए स्क्वायर प्लस ए बी
अब प्लस बी स्क्वायर। सर ये ए बी और ए बी मिलकर टू ए बी होता है, लेकिन जब यही आप एंटी कम्यूट की बात करेंगे तो एंटी कम्यूट में ए बी बराबर क्या हो जाता है माइनस बी, यानी आप ए प्लस बी का जब होल स्क्वायर आप लिखिएगा तो ये लिखिएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस माइनस, यही ना लिखिएगा जी हाँ, प्लस बी स्क्वायर। तो ये सीए क्या हो जाएगा, कट नहीं जाएगा, यानी ए बी बराबर माइनस बी है ना, तो ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, ठीक है, यानी ए बी और बी ए जो हो जाएगा जब एक दूसरे एंटी कम्यूट होगा तो ये कट के जीरो हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि एंटी कम्यूट होगा, ठीक है। अब मैं नाइन्थ के बाद मैं टेंथ पढ़ता हूं कि इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज A square matrix, then log of index will obey. याद रखें, सब थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए हर प्रॉपर्टी। ये जब ये square matrix है, तभी index का log obey करेगा। Log of index मतलब क्या? Multiply में power जुटना, divide में power घटना। तो जब ये A square matrix है अरे जय को रो जय को कॉलम, तब इसका यदि होगा तब इसको कह सकते हैं a के पावर n नंबर कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a और b दोनों मैट्रिक्स है, आप a माइनस b इनटू a प्लस b लिखेंगे, लेकिन कब, इफ a b बराबर b a है तब, मतलब दैट इज a एंड b आर कम्यूट इच अदर, यदि एक दूसरे को कम्यूट है तब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिखिएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। अब चलते हैं बाबू एक बात पर कि हम इस चीज को मल्टीप्लाई करने वाले हैं, माइनस ए बी और माइनस बी ले लेते हैं आप तो भी हो जाएगा। अगर हम 12 नंबर टॉपिक चलते हैं कि a के पावर n, ठीक है, और b के पावर n को a b के पावर n लिखेंगे, लेकिन कब, इफ a b बराबर b a है तब, माने एंटी कम्यूट है तब, कोई दिक्कत। 13 नंबर हम बात करते हैं, याद रहे कि कहने का मतलब कि जब भी चर्चा चल रहा है जब कम्यूट टू इच अदर है तब। अब हम चलते हैं कि a प्लस बी के पावर n का सब कुछ पॉलीनोमियल वाला फॉर्मूला जानता होगा, क्या होता है जी, एन सी जीरो ए के पावर n प्लस एन सी वन ए के पावर n माइनस वन बी एन सी टू ए के पावर n माइनस टू बी के पावर टू प्लस डॉट 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 एन सी एन ए के पावर n माइनस एन और b के पावर, लेकिन ये भी कब ऑब्वे करेगा, जब इफ a एंड b आर कम्यूट टू ईच अदर, जब a और b जब एक दूसरे का कम्यूट है तब भी यही ओबे करेगा, नहीं तो ये भी ओबे नहीं करेगा। आप लोगों को मैं 11 प्रॉपर्टी बताया, 11 प्रॉपर्टी चले हम लोग, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन में ये सभी प्रॉपर्टियों को बार बार ध्यान देना है। 4, 5, 6 नंबर प्रॉपर्टी को थोड़ा सा डीपली समझने का कोशिश करना है, क्योंकि जब मैं बोला हूं कि जब a 0 तो b 0, अगर a 0 है नल मैट्रिक्स है या b नल मैट्रिक्स है, ठीक है, दोनों में से कोई एक नल मैट्रिक्स है तो उसका प्रोडक्ट जो होगा नल मैट्रिक्स होगा, लेकिन अगर एक प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि इंडिविजुअली दोनों नल मैट्रिक्स हो सकता है या नहीं, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ आप लोग दिमाग
करिएगा बनाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस दोनों क्वेश्चन का भी चर्चा भी करूंगा। एक क्वेश्चन मैंने लेक्चर नंबर 2 में दिया था सर, लास्ट में किसी ने मुझसे पूछा भी है वो भी, और अभी मैंने एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ उस पर डिपेंडिंग। क्योंकि देखिए जब मैंने इस चीज़ का चर्चा किया और उस पर जब क्वेश्चन ना हो थोड़ा और प्रॉब्लम होती है। ये नहीं कि प्रॉपर्टी पूरा लिख रहे हैं पूरा एकदम हाई फाई लेते जा रहे हैं थ्योरी और क्वेश्चन एक भी प्रैक्टिस उस पर नहीं। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन इस पर देता हूँ। क्वेश्चन है कि एन दिया था तुम्हें डिसेंस सत्ता टेबी बराबर बी क्यों बी ए बराबर है दें प्रूव डेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी। ए बी किसके बराबर है? बी के बराबर है मैट्रिक्स, और बी ए किस मैट्रिक्स के बराबर है? ए के मैट्रिक्स। प्रूव किसको करना है? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी को बनाइएगा। कोशिश किसी है आप लोग बनाने के लिए हिंट दे रहा हूँ। LHS को लिखिएगा और LHS से बनाने का कोशिश कीजिएगा। ए स्क्वायर को ए गुना ए लिखिएगा, बी स्क्वायर को बी गुना बी लिखिएगा, फिर ए स्क्वायर को जब ए गुना ए लिखिएगा तो याद रहे कि जब ए गुना ए है, एक मिनट थोड़ा सा मान लेते हैं आप लिख रहे हैं इसको ए स्क्वायर ए गुना ए, और बी स्क्वायर को लिख रहे हैं बी गुना बी, तो इस अब ए के जगह तो आप बी ए लिख सकते हैं ना, और इस b के जगह आप तो लिख सकते हैं ये b, तो लिखिएगा। उसके बाद आप अपना कॉमन लेकर जो भी होगा उसको देखकर उस प्रकार से उसका रूप दीजिएगा, शायद बन जाए। कोशिश आप लोग अपना रूप दीजिएगा। हाँ, और एक बात और, लेक्चर की संख्या ज़्यादा हो मैट्रिक्स के इसे दौड़ाने की कोई ज़रूरत ना है, और ये भी कोई किसी को इस बात की चिंता न लेनी है, इस बात को टेंशन नहीं लेना है कि अप्रैल खत्म हो रहा है मेरा भी एक भी चैप्टर कंप्लीट नहीं है। जब मैं आप लोग के साथ हूँ तो इस प्रकार का कोई टेंशन ना लें, क्योंकि वास्तविकता रूप से अप्रैल में ही 12 चालू होती है, अप्रैल में ही 12 चालू होती है। कहीं भी ओरिजिनलिटी के रूप से इंडिविजुअल पढ़ना उठना पढ़िएगा, ठीक है, तो अप्रैल में ही चालू होती है, इसलिए किसी प्रकार का टेंशन ना लें। समय हम लोगों के पास है, आप लोग बढ़िया से पढ़ें। जिसको भी किसी प्रकार की दिक्कत हो किसी भी टॉपिक में आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर से, जिसके भी जब भी मैं डालता हूँ वीडियो तो उस पर व्हाट्सएप नंबर रहती है मैं उससे, एवं कॉल करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। That's all.